उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां कक्षा 9 के छात्र से पेट से घड़ी की बैटरी, ब्लेड, कील समेत धातु के टुकड़े जैसी 56 वस्तुएं निकाली गई, जिनका वजन करीब 350 ग्राम था। इनसे छात्र की आंत में संक्रमण फैल गया था। हालांकि दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में सर्जरी के एक दिन बाद छात्र की मौत हो गई। छात्र के पेट से निकली इन वस्तुओं को देखकर दिल्ली सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान हो गए। छात्र के पिता सचेत शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा आदित्य शर्मा कक्षा 9 का छात्र था। ऑपरेशन के दौरान अलग अलग प्रकार की उसके पेट से करीब 56 वस्तुएं निकली हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर और परिवार के लोग हैरान हैं कि आखिरकार यह सब चीजें पेट के अंदर कैसे पहुंची। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के थाना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास रोड स्थित एक गांव बैलोट निवासी सचेत शर्मा का परिवार इसी थाना क्षेत्र के इगलास अड्डा स्थित रत्न गर्भा कॉलोनी में रहता है। सचेत शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उनके बेटे आदित्य शर्मा के पेट में बहुत दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को हाथरस के एक स्थानीय अस्पताल में दिखाया। इसके बाद आदित्य को आगे की देखभाल के लिए जयपुर भेज दिया गया था। जयपुर के अस्पताल से कुछ समय के इलाज के बाद छुट्टी मिल गई थी। हालांकि कुछ समय बाद आदित्य की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद आदित्य को अलीगढ़ में डॉक्टरों ने उसकी सांस लेने की समस्या को दूर करने के लिए सर्जरी की। हालांकि 26 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड में उसके शरीर के अंदर करीब 19 बाहरी चीजें पाई गई। इसके बाद आदित्य को नोएडा के अस्पताल में दिखाया गया। यहां उसके पेट में लगभग 56 धातु के टुकड़े पाए गए, जिसके बाद परिवार ने उसे 27 अक्टूबर को सर्जरी के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल ले जाने का फैसला किया। यहां सफदरगंज अस्पताल में प्रोफेसर सर्जरी विभाग डॉक्टर मेघराज कुंदन की टीम ने उसका ऑपरेशन किया था। इनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान आदित्य के पेट से बैटरी के सेल, नट बोल्ट्स, ब्लेड्स, यूएसबी पोर्ट, सिरिंज, सुई के कैप आदि सहित धातु एवं प्लास्टिक की 56 वस्तुओं को निकाला गया था, जिनका वजन करीब 350 ग्राम था। संक्रमण फैलने के बाद उसकी आंत फट गई थी, जिसके बाद में ऑपरेशन किया गया था। सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टरों के प्रयासों के बाद भी आदित्य की हालत बिगड़ती चली गई। छात्र के पिता ने बताया कि दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हुई सर्जरी के एक दिन बाद आदित्य की मौत हो गई, क्योंकि उसकी हृदय गति बढ़ गई थी और उसका रक्तचाप खतरनाक रूप से गिर गया था। आदित्य की मौत और पेट से मिली वस्तुओं के मामले में डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उसके मुंह या गले में कोई भी चोट के निशान नहीं थे, जिससे पता चले कि नाबालिग लड़के ने जानबूझकर या गलती से ये चीजें खाई हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया और अब मेरी बेटी बची है, जो हम सभी की तरह इस भयानक, अस्पष्ट और रहस्यमयी त्रासदी से सदमे में है। क्या नाम है आपका? सचेत शर्मा। जी, आपके बेटे आदित्य की जो मौत हुई है और पता चला है कि स्कैनिंग के दौरान कुछ पार्ट्स उसकी, मतलब कुछ सामान उसके पेट से मिले हैं, क्या कुछ मामला है ये पूरा? सर, इसमें तो यही है कि 26 तारीख को उसका नाक का ऑपरेशन हुआ। सुबह मॉर्निंग में अलीगढ़ जो है नवरत्न हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन भी हो गया सक्सेस। 1 बजे उसको ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में उसे होश भी आ गया, लेकिन उसके पेट में दर्द हुआ। उससे पहले 19 तारीख को जो है हम लोग जयपुर से उसे डिस्चार्ज करा के लेके आए थे। वहाँ भी CT, MRI, इंडोस्कोपी, कैलनोस्कोपी सारी जाँचें हुई हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था उसके पेट में। 26 तारीख को उसके बाद में अर्णव वर्मा के यहाँ लेके गए अलीगढ़, KK जो हॉस्पिटल के बराबर में है, तो उन्होंने उसकी पोजीशन देख के उसे KK में शिफ्ट करवाया। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हुआ, तो एक्सरे में वहाँ पे काउंटिंग थी 19 आइटम निकले थे, तो उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया फोर्टिस के लिए। फोर्टिस में लेके पहुँचे, वहाँ पे स्कैनिंग हुई, तो वहाँ पे उसका जो है आइटम्स की काउंटिंग जो है 42 हो गई, 42 हो गई। वहाँ भी डॉक्टर शॉक थे काफ़ी। फिर उसके बाद में वहाँ से रेफ़र किया जंगल है, वहाँ हम लोग लगभग 12 बजे पहुँचे, तो 12 बजे जो है उसकी काउंटिंग होगी 56। तो डॉक्टर भी अचंभित थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि अलीगढ़ से लेकर यहाँ तक काउंटिंग 3 बार उसकी रिकवर हुई है। तो वही है, अभी उसके बाद में नेक्स्ट डे ऑपरेशन भी हो गया उसका सक्सेस, 56 पूरे आइटम निकाल दिए गए। फिर उसके बाद में करीब लगभग 1 घंटे के बाद में 3 आइटम और निकले उसमें। अब ये कहाँ से आए, क्या हुआ, डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर के बाद में कोई जवाब नहीं था। बोले कि भाई हमने स्कैनिंग कर ली, फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम भी हुआ, पोस्टमार्टम में भी कोई गले में इंजरी नहीं है, लैट्रिन के रास्ते कोई इंजरी नहीं है,
तो बोले बच्चे की तबीयत कब से खराब थी और कब जाके आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दी कि उसके पेट में कुछ? ये तो हमें मतलब पेट के अंदर जो है वो तो हमें 26 तारीख को ही पता चला। उससे पहले उसे सांस लेने में दिक्कत आती थी, इसका ऑपरेशन भी हमने करा दिया तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी।